गलती हर किसी इंसान से होती है। कुछ लोग अपनी गलती को सुधार लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक गलती सुधारने के चक्कर में बात को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। अनजाने में की गई गलती का असर कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है आपको हमारी आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत होती है एक माँ और बेटी से जिनको एक जगह पर बांध कर रखा गया था। वो दोनों बहुत डरी हुई थी और उसी समय उनके सामने एक आदमी आता है और वो आदमी उस औरत का हस्बैंड कॉनर था। लेडी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन दोनों को छोड़ दे और कॉनर को अपनी वाइफ पर शक था तो उसे लगता था कि उसकी वाइफ का कहीं और अफेयर चल रहा है। वो एक बड़ी सी कैंची उठाकर उसकी वाइफ का गला काट देता है और ये भयानक घटना उसकी बेटी की आंखों के सामने हो रही थी। अब इस घटना को 35 साल बीत जाते हैं और हम यहाँ पर चार लड़की मेलिसा, लीजा, जीना और थालिया को देखते हैं। मेलिसा की शादी होने वाली थी और वे सभी शादी से पहले एक ट्रिप पर आए हुए थे। रास्ते में सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और अपना ज़रूरी सामान लेने लगते हैं। उसी समय पर वहाँ पर टीम नाम का एक लड़का रुकता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मेलिसा उसे पेट्रोल भरवाने के लिए कुछ पैसे दे देती है। टीम अजीब तरीके से उसे देख रहा था तो मेलिसा वहाँ से चली जाती है। सभी लड़कियाँ कार लेकर आगे बढ़ती है और टीम उनकी तरफ ही देख रहा था। अब अगली सुबह वे लोग रेस्ट करने के लिए एक गाँव जैसी एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर कोई इंटरनेट या वाईफाई नहीं था। मेलिसा अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी और तभी वो नोटिस करती है कि टीम अभी भी उनका पीछा कर रहा था। फिर थालिया टीम को गालियां देती है और वो सब वहाँ से आगे निकलते हैं। उन लोगों को रास्ता ठीक से नहीं पता था तो वे सभी मैप के सहारे आगे बढ़ रहे थे। अब कुछ दूर जाने के बाद में उनको टीम की कार उनके सामने ही खड़ी दिखाई देती है और थालिया को टीम की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो टीम की कार के पास में उससे बात करने के लिए जाती है पर अचानक टीम एक चाकू से थालिया को पकड़ लेता है। सभी लड़की ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और बाकी सब भी कार से बाहर आती है। वो जूलिया को पकड़ लेता है और उसे एब्यूज करने लगता है। तभी लीसा एक पत्थर को टीम के सर पर मार देती है जिस वजह से टीम वहीं पर मारा जाता है। मेलिसा को बचाने के लिए लीसा ने गलती से टीम को मार दिया था। वो थालिया पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है लेकिन जीना उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इस तरीके से पुलिस को उन पर शक हो जाएगा। उनके पास में टीम की लाश को ठिकाने लगाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था और टीम की लाश को वे अपनी कार की डिक्की में डालकर वे लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। एक ही पल में उनके साथ में इतना कुछ हो गया था ये सोचने के बाद में सभी के चेहरे की हंसी गायब भी हो गई थी और ऊपर से उनकी कार का पेट्रोल भी अब खत्म होने वाला था और उस जगह फ़ोन के सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। तभी उनको एक घर दिखाई देता है और वहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि उस घर में जाकर वे वहाँ से मदद मांगेंगे ताकि उन्हें आगे के रास्ते के लिए डायरेक्शन मिल जाए। फिर सभी एक दूसरे को संभालते हैं और उस घर की तरफ आगे जाते हैं। उस घर में उनको परकिंस मिलती है और वे लोग एक फ़ोन और सही रास्ते के बारे में पूछते हैं। परकिंस के पास में कोई फ़ोन नहीं था और रात भी होने वाली थी तो आज रात के लिए परकिंस उनको वहीं पर रहने के लिए ऑफर करती है लेकिन वहाँ पर रहने के लिए उनको कुछ रूल्स फॉलो करने थे। उनको वहाँ पर डिनर 6 बजे करना होगा और उन्हें 8 बजे लाइट ऑफ करके डायरेक्ट सोना होगा। परकिंस सभी को एक रूम देती है और 6 बजे सभी डिनर करने लगते हैं। परकिंस उनसे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी और मेलिसा उनसे अपनी शादी के बारे में भी बातें करती है। परकिंस को शादी पसंद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। उन सभी को परकिंस की बातें अजीबोगरीब लगती है और परकिंस उनको फिर से याद दिलाती है कि अगर वे उनके रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो भी उनकी रिस्पेक्ट करेगी। रात को सभी लड़कियाँ ये डिसाइड करती है कि आगे के रास्ते में उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ज़्यादा टाइम होने पर उस लाश से सड़ने की बदबू भी आने लगेगी तो बेहतर यही होगा कि लाश को पासी के जंगल में दफना दिया जाए। अब 8 बजने के बाद भी जीना सोई नहीं थी और वो घर में इधर उधर घूम रही थी और वहीं पर उस एटिक का डोर खुला हुआ दिखता है। जीना उस डोर को देख ही रही थी कि तभी परकिंस आकर उसे याद दिलाती है कि उसे लाइट ऑफ करके सोना होगा और इस तरफ मेलिसा अपने फियांसे को कॉन्टेक्ट न कर पाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। लीना को तो यही चिंता सता रही थी कि उसके हाथों किसी का मर्डर हो चुका है। फिर मेलिसा उसे कंफर्ट करके सो जाती है। अब इस तरफ जीना थालिया के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी क्योंकि जीना एक लिस्बियन थी और पहले से ही इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो चुका था। जीना और थालिया वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और उनकी आवाज़ें लीसा और मेलिसा भी सुन लेती हैं। तभी मेलिसा और लीसा नोटिस करती है कि उनके रूम के बाहर कोई घूम रहा है और दोनों उठकर देखने के लिए जाती है।
लेकिन बाहर और कोई नहीं बल्कि जीना ही थी। उसने किसी को बाहर के स्टोरेज रूम में देखा था तो वो यही बात बाकी की लड़कियों को बताने के लिए आई थी। वे सभी अपने रूम के बाहर से ही स्टोरेज रूम की तरफ देखने लगते हैं और अंदर से उनको परकिंस किसी के साथ बातें करते हुए सुनाई देती है और वे सभी डरकर अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अब अगले सुबह परकिंस उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाई रही थी और परकिंस उनसे माफ़ी मांगती है कि उसके घर में आज के ज़माने की कोई भी चीज़ नहीं थी। परकिंस उन सभी को जंगल की तरफ जाने के लिए मना करती है क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ पर खतरा हो सकता है। फिर कुछ समय के बाद सभी लड़कियाँ लाश को दफनाने के बारे में सोच ही रही थी लेकिन उन्हें वहाँ पर गड्ढा खोदने के लिए भी कुछ सामान चाहिए था। कल रात की बात की वजह से वे सभी उस स्टोरेज रूम में जाने से डर रहे थे। उनको अपने पीछे परकिंस नजर आती है और वह सभी जल्दी से कार की डिक्की को बंद कर देती है। परकिंस शिकार करने के लिए जंगल में जा रही थी और जीना भी उनके साथ में जाना चाहती थी पर परकिंस जंगल के खतरे के बारे में बताकर उसे अपने साथ में ले जाने के लिए मना करती है और इन सब टेंशन की वजह से लिसा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी तो घर के अंदर चली जाती है। जीना और थालिया को गड्ढा खोदने का सामान मिल चुका था और दोनों परकिंस घर के पास में ही गड्ढा खोदने लगती है। अब यहाँ पर घर के अंदर लिसा नोटिस करती है कि घर में फोटो के फ्रेम्स तो है लेकिन वहाँ पर कोई भी फोटो नहीं लगी है जैसे कि परकिंस खुद से ही छुप रही हो। तभी मेलिसा भी नोटिस करती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस गायब है और दोनों परकिंस के रूम को चेक करने लगते हैं। वो देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा हुआ है और इतने डिसिप्लिन में रहने वाली परकिंस का रूम बिखरा हुआ देखकर उनको अजीब लगता है और वहीं पर एक बॉक्स में लिसा को कुछ पुरानी फोटोज भी मिलती है और ये उनकी फोटोज थी जिनको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक न्यूज़ के पेपर की कटिंग भी थी जहाँ पर लिखा हुआ था कि अपनी वाइफ को मारने के बाद में कॉनर कहीं पर गायब हो गया था और वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि परकिंस ही थी। जीना उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी लेकिन थालिया को ये अब तक पता नहीं था कि वो किसी लड़की के साथ में ज़्यादा खुश रहेगी या लड़के के साथ में। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है और थालिया वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। इस तरफ टीम की डेड बॉडी मेलिसा लिसा और जीना को कार में नहीं मिलती है। इधर थालिया को जंगल में मेलिसा की वेडिंग ड्रेस पहने हुए कोई नज़र आता है और वो उसे मेलिसा ही समझ रही थी। वो पर्सन धीरे धीरे थालिया के पास आती है जिसे देखकर थालिया डरकर भागती है और वो एक पुरानी कार में छुप जाती है लेकिन वहाँ पर वो पर्सन आकर थालिया पर वार करने लगता है। अब इधर डेड बॉडी गायब होने की वजह से सभी परेशान थे और मेलिसा जीना को संभालती है कि तभी वहाँ पर परकिंस आती है जो बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है। जब उनको पता लगता है कि थालिया जंगल में गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। थालिया का कुछ भी अता पता नहीं था तो बाकी लड़कियाँ बहुत परेशान थी और परकिंस उनसे कहती है कि उसने तो जंगल में जाने से मना किया था पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लिसा परकिंस से उनकी फैमिली के बारे में पूछती है पर परकिंस उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती है। परकिंस का गार्डनर कल आने वाला था तो उसके बाद वे लोग आराम से वहाँ से निकल सकते थे और थालिया को भी ढूंढ सकते थे। जीना थालिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी तो वो परकिंस पर गुस्सा हो जाती है और परकिंस भी चुप नहीं रहती है। वो जीना को याद दिलाती है कि उसने उसे इस घर में रहने दिया है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करे। रात को हम थालिया को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी और उसे बांध कर रखा गया था। फिर से वही पर्सन हथियार लेकर उसके पास में आती है जिसे देखकर लिसा डर के मारे चिल्लाती है और मास्क पहना पर्सन अलग अलग हथियार से उसे डराने और टॉर्चर करने लगता है और उसे पेट्रोल पिलाकर उसके होठों को सिल देता है। अब अगली सुबह हमें वही पर्सन जीना के रूम में नजर आती है और जीना उसको थालिया समझकर उसके पीछे जाती है। वो पर्सन लिविंग रूम में खड़ा था और जीना उसके पास जाने लगती है और वो पर्सन जीना को पकड़कर उसी गड्ढे में फेंक देती है जहाँ पर उन्होंने टिम की डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए गड्ढा खोदा था। फिर वो पर्सन जीना के पैर पर हथियार से वार करता है और जीना का एक पैर कट चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है पर वो पर्सन जीना को पकड़कर गड्ढे में डाल देता है और उसे मारकर बेहोश करके उसे जिंदा ही उस गड्ढे में गाड़ देता है। अगली सुबह बाकी दो लड़कियों को जीना भी कहीं नजर नहीं आती है और अब उनको परकिंस पर ही शक हो रहा था। घर के बाहर उनको जीना की लाश दिखती है और दोनों इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी समय उनको कार में थालिया नजर आती है। लिसा किसी तरह थालिया के होठ की सिलाई को खोल देती है और वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो पर्सन पीछे से आकर लिसा पर वार करता है और एक हथियार को लिसा के पेट में घुसा देती है। फिर वो मेलिसा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है और किसी तरह मेलिसा जंगल की तरफ भागती है। भागते भागते वो एक खुले मैदान में आ गई थी और वहाँ पर
वो अपना फ़ोन ऑन करती है। वो देखती है कि उसके फ़ोन में उसके फियांसे के 110 मैसेज थे और वो बहुत दुखी था क्योंकि मेलिसा टाइम पर वेडिंग पर नहीं आई थी और उसे लग रहा था कि मेलिसा ने उसे धोखा दिया है। लिजा को बचाने के लिए मेलिसा फिर से परकिंस के घर पर आती है और परकिंस उसे घर के अंदर बुलाती है। वो छुपते छुपाते घर के अंदर जाती है। एटिक का डोर खुला हुआ देखकर वो उसके अंदर जाने लगती है। वहाँ पर उसे लिसा जख्मी हालत में दिखाई देती है और उसके पास परकिंस बैठकर रो रही थी और वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और उसने मेलिसा की वेडिंग ड्रेस को पहन रखा हुआ था। मतलब कि अभी तक जो पर्सन सबको मार रहा था वो और कोई नहीं बल्कि परकिंस ही थी। परकिंस बताती है कि कॉनर आ रहा है और एकदम से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है और मेलिसा पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाती है। परकिंस मेलिसा को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और मेलिसा किसी तरह वहाँ से भागती है और एटिक में लिसा की मदद करने के लिए जाती है। मेलिसा लिसा को लेकर घर के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ देर के लिए वो लिसा को एक जगह पर छुपा कर खुद एक हथियार लेकर परकिंस से लड़ने के लिए जाती है। तभी परकिंस पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। दोनों को ही चोटें आई थी और परकिंस उठकर मेलिसा को मारने वाली थी। मेलिसा बाहर के स्टोरेज रूम में छुप जाती है और वहीं पर टीम की भी लाश पड़ी हुई थी। अब मेलिसा पीछे के डोर से बाहर निकलती है जहां पर परकिंस लिसा को मारने वाली थी और मेलिसा एक गन से परकिंस को मारने वाली थी, लेकिन उस गन में गोलियां थी ही नहीं। और तभी लिसा परकिंस के हाथ पर काट लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा परकिंस का गला काटकर उसे मार डालती है। अब फिर वो लिसा के साथ में मिलकर जीना और थैला की डेड बॉडी को एक साथ दफना देती है और वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाकर उस खूनी वेडिंग ड्रेस के साथ ही वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, परकिंस की माँ को उसके पिता ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था, जिस वजह से परकिंस के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और उसके अंदर उसके पिता की पर्सनालिटी ने जगह ले ली थी, जो कभी कभी बाहर निकलकर बेकसूर लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा करता था। कॉनर की एक गलती ने परकिंस की पूरी लाइफ तबाह कर दी थी। वो गलती यहाँ पर उन लड़कियों की भी है। अगर वे लोग टीम की मौत के बाद पुलिस को कॉल करते तो कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसते और उनकी दोस्त थालिया और जीना भी जिंदा होती और मेलिसा भी अपनी शादी में टाइम पर पहुंच जाती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जल्दी ही एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ।